हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। कल हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था भिखारिन, तो इसकी हमने आधी स्टोरी आपको बता दी थी, उसके आगे की बताते हैं अब हम उसमें क्या होता है। हमने एक भिखारिन थी जो मंदिर के दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगती थी और उसे बहुत कुछ मिल जाता था वहाँ पे, और रास्ते में अपने घर तक जाती थी तो मांगती जाती थी। और उसके पास उसका वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले उसने एक लावारिस बच्चा उस अपने मोहल्ले में देखा था जिसका कोई भी नहीं था, तो उसने उसको अपने गले से लगा लिया और उसको पाला था उसने। और जो कुछ भी ले जाती थी उस बच्चे को पहले पेट भर के खिलाती थी, फिर खुद खाती थी, और जो पैसा मिलता था उसको एक बड़ी सी हाड़ी में छुपा के रखती थी उस बच्चे के लिए। तो अब उसके आगे क्या होता है अब हम पढ़ते हैं। और उसमें एक काशी में एक बनारसी नाम का प्रसिद्ध सेठ था जिसके यहाँ पे लोग अपने पैसा रखने आते थे, कर्जा लेने आते थे, और जो कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी जमा पूंजी उसके यहाँ जमा कर जाते थे धरोहर के रूप में। अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं। अंधी के पास काफ़ी रुपये जमा हो गए थे, हाड़ी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसकी रुपये चुरा ना ले। तो एक दिन संध्या के समय अंधी ने वो हाड़ी उखाड़ी और अपने फटे हुए चित्र आंचल से छुपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई, और उसने भी वहां पर अपने खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? तो उस अंधी ने हाड़ी उनके आगे सरका दी, सेठ जी से पूछा, फिर क्या है? अंधी ने उत्तर दिया कि भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, उनको अपने पास रखकर कृपया इन्हें आप अपनी कोठरी में रख लो। मतलब उसे यह था कि मेरी झोपड़ी में से कोई उसको चुरा ना ले, तो उसने कहा था इसको आप अपने घर पे रख लो। तो सेठ जी के मुनीम ने की ओर संकेत करते हुए कहा, वहीं पे जमा कर लो। फिर बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उनके नाम से जमा की। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर से आधा पहुंचा। अंधी ने दवा दारू भी झाड़ फूक भी करवाई, पर उससे कोई काम या टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सब व्यर्थ हो गया। लड़के की दिशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, तो अंधी का दिल टूट गया। साहस ने जवाब दिया तो वह निराश हो गई, और परंतु फिर ध्यान आया कि संबंध बड़े डॉक्टर के इलाज के से फायदा हो जाएगा, और विचार आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी की उपस्थिति थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी मुझे रुपये मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये, मेरे पास कब जमा किए थे तुमने? अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास कुछ रुपये धरोहर के रूप में जमा कर गई थी, और आपने रुपये दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना, इसके नाम पर कुछ पैसे जमा है क्या? मुनीम सेठ जी के संकेत की ओर समझ गया, अतः वहीं देखते हुए झूठा बहाना करते हुए बोला, नहीं नहीं, इनके नाम से कोई भी पैसा नहीं है। बच्चों, अब आगे देखते हैं इसमें। अंधी के उस सेठ की नीयत खराब हो गई उस अंधी भिखारिन के पैसों पर। तो अंधी वहीं पर जमी बैठी रही और रोती रही और कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ भी दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत मर जाएगा, बहुत भी मेरी जीवन की जमा पूंजी है, आपके जीवन भर गुण गाऊंगी मैं। परंतु पत्थर दिल सेठ का दिल ना पिघला। सेठ जी ने क्रोध धोकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी लेकर खड़ी हो गई और सेठ जी के ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, यह कहकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। वहाँ यह एक आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई नहीं तो कैसे होता? एक दिन उसकी अवस्था अति चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी के सिवा अंधी भी निराश होकर हो गई। सेठ जी पर उसे रह का क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 10-20 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, फिर भी उसने कोई दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये तो मांग रही थी। सेठ जी ने भी उसे घृणा हो गई। अब बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भड़क रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने भी आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने के लिए कहा, किंतु यह वह स्थान से ना हिली, मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं हटती है, तो सेठ जी ने स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब
मोहन किसी मेले में खो गया था तो उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना चला। उन्हें याद आया कि मोहन की जान पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार को आते ही उन्होंने अंधी की गोद में लेटे बच्चे को अपनी गोदी जांग देखी। चिन्ह अवश्य था किंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि यह बच्चा उसी का मोहन है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। तो बच्चों आज हम बस इतना ही पढ़ाएंगे आपको। तो आपने देखा कि गरीब की मदद कोई भी नहीं करता है, जबकि वो अपने ही पैसे मांग रही थी उससे, लेकिन उन्होंने फटकार दिया था। लेकिन जब उनको पता चला कि वो उनका ही बच्चा है तो उसने तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर को बुला लिया। तो आज हम बच्चों यहाँ तक ही आपको पढ़ाएंगे, इससे आगे कहानी कल बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।